सैकड़ों लोगों का हुजूम, हाथों में डब्बे और बाल्टियां, और लोगों को समझाती हुई पुलिस। ये नजारा आपको रोज रोज उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा, या फिर ये कह लीजिए कि ऐसा नजारा आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। इसलिए अजब गजब यूपी के कासगंज से ये निराली तस्वीरें सामने आई हैं। आम लोगों के संघर्ष से भरी हुई ये तस्वीरें तेल लूटने की हैं। जी हाँ, कासगंज मथुरा बरेली हाईवे पर जब एक रिफाइंड से भरी हुई टैंकर पलट गई, तो वहीं पर स्थानीय लोगों के बीच लूट ऐसी मची कि फ्री का सामान लेने के चक्कर में स्थानीय लोगों ने पलटे हुए टैंकर के रिश्ते तेल को लेने के लिए धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसके हिस्से जितना आया उससे ज्यादा ही हासिल करने के लिए बच्चे हो या बड़े, पुरुषों या महिला, सभी सड़क पर उतर गए थे। इसके बाद आनन फानन में टैंकर पलटने की खबर पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने हालातों पर काबू पाने और लोगों को घटनास्थल से हटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लोग थे कि मानने को राजी नहीं हुए। पुलिस ने क्रेन बुलवाकर टैंकर को सीधा कराने की कोशिश भी की, लेकिन तब भी कई जिद्दी लोग रिश्ते तेल को लूटने में लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि ये ट्रक गुजरात से उत्तराखंड के किच्छा जा रहा था। लेकिन तेज स्पीड होने के कारण एक मोड़ पर टैंकर ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गया और उसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद टैंकर के मालिक को इसकी खबर दे दी गई थी। एक तो टैंकर के साथ हुआ इतना बड़ा हादसा और ऊपर से तेल लुट जाने से इतना बड़ा नुकसान। हालांकि कासगंज से सामने आई ये तस्वीरें वाकई में चौंकाने वाली है। जिसने भी इन्हें देखा उसने अपना सर पकड़ लिया और समझ नहीं आता कि इन तस्वीरों को देखकर हंसा जाए या ये सोचा जाए कि सामान को लूटने से ज्यादा किसी ने वहाँ ये समझदारी क्यों नहीं दिखाई कि वहाँ कोई बड़ा हादसा या फिर भगदड़ मच सकती थी।